गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा डे टू इन दाबोल। दाबोल में ही है हम, आज एक और एक दिन रुकने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमने स्क्विड्स लिए हैं, मतलब मांकुल बोलते हैं मराठी में। तो अभी उसकी मैं आपको रेसिपी दिखाने वाली हूँ कि कैसे बनाते हैं और कैसे क्लीन करते हैं। चलो, ये है स्क्विड्स। ओके, तो अभी इसे क्लीन कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। आपको क्लीन कैसे करते हैं वो दिखाओ। ओके, इसका ये आगे का पोर्शन है ना, कैसे निकालना है इसे, एक मिनट। धागा होता है क्या कुछ? ओके, ब्लैक ऐसा धागा होता है। अच्छा, ओके, ऐसा का ऐसे क्लीन हो गया है। अभी इसके दो पीस होंगे और इसको हम तब तक पानी में रखेंगे। ऐसे हमें सारे जो स्क्विड्स हैं वो क्लीन कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 लोग हैं, तो हमारी क्वांटिटी भी उतनी ज़्यादा है। तो अभी मैं मिलती हूँ ये क्लीन करने के बाद, मैं भी हमें हेल्प कर रही हूँ। ये देखो, प्रतीक्षा यहाँ पे चपाती बना रही है। प्रतीक्षा, तो मेरी वाइफ को देखो, सब कुछ आता है, सिर्फ व्लॉगिंग नहीं करती वो। ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्विड है, इसको मराठी में माकल बोलता है अमिताला। और ये हम लोग ने कट करके रखा है यहाँ पे प्याज कट करके रखा है। और यहाँ पे बर्तन गरम हुआ है। वो जो प्रतीक दोस्त आपने देखा उनकी काकी, और उन्होंने अभी यहाँ पे प्याज फूनने के लिए डाला है। अभी हम लोग उसको फ्राई करेंगे। अभी ये क्या डाला आपने? अच्छा, अदरक लहसुन पेस्ट डाली है। हम लोग ने ऑयल डाला है उसको, और इसको हम लोग फ्राई करके ले रहे हैं। इसको कितनी मिनट तक फ्राई करके लेना है? शीजे पर्यंत। अच्छा, शीजे पर्यंत। ओके, ओके, तो ब्राउन होने तक उसको फ्राई करना है। और उसके ऊपर भी हम लोग ने ढक्कन रखा है। आज स्क्विड के दो टाइप की रेसिपी बनाने वाले हैं। एक स्क्विड मसाला सूखा टाइप, और ये है हम लोग स्क्विड फ्राई करने वाले हैं। हम लोग ने फ्राई करने के लिए उसमें अभी हम लोग ने रेड चिली पाउडर डाला है, अदरक लहसुन पेस्ट। अच्छा, और अदरक लहसुन की पेस्ट भी हम लोग ने डाली है। नमक और नमक। हल्दी पाउडर गया अंदर। अभी हो गया है प्याज फ्राई, हो गया ना? तो प्याज फ्राई हो चुका है। इसमें क्या डालना है? ये कौन सा मसाला है? होममेड मसाला है, घर पे बनाया हुआ। कितना चम्मच डाला? 5 चम्मच। अब इसे मिर्ची पाउडर भी जाएगा क्या? नहीं ना, उसी में सब कुछ है, इसी मसाले में। और अभी आप इस देख सकते हो स्क्विड्स हमारे इस मसाले में जाएंगे। उसमें से पानी निकल रहे हैं वो, क्योंकि बाद में फिर से इसमें पानी निकलता ही है। मैं करूँ? अभी ये स्क्विड डालने के बाद एक बार इसे ठीक से मिक्स करना है। ठीक है, आई थिंक इसमें थोड़ा सा और मसाला जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही है। तो यहाँ में और 2 चम्मच डाला है। ओके, तो बेसिकली इस मसाले की स्पेशलिटी है कि ये घर पे बना हुआ है, और इसमें मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, आई थिंक सब कुछ ही इसी में ही है ना, अलग से कुछ डालना नहीं पड़ता है। ओके, तो
अभी से पानी डाला नहीं है हमने और सिर्फ ढक दिया है और थोड़ा सा उसके ऊपर पानी जाएगा। ऐसा करने से फिर क्या फायदा होता है, नीचे चिपकता नहीं है ना, नीचे चिपकता नहीं है। सो अभी हमने साइड में ये स्क्विड फ्राई करने के लिए भी रख दिए, कुछ नहीं सिर्फ ऑलरेडी जो दिखाया था मीट मसाला और अदरक लहसुन पेस्ट और तेल के ऊपर सिर्फ फ्राई कर रहे हैं। तो बहुत टेस्टी लगने वाला है। हम चेक करेंगे कि हमारा स्क्विड करी रेडी है क्या। और थोड़ा पकने के लिए टाइम लगेगा। सो हमारा स्क्विड फ्राई रेडी है। ओके एंड ये हमारा है स्क्विड मसाला, जिसमें अभी हम लोग क्या डालने वाले हैं, ये नारियल और प्याज का पेस्ट है राइट। इसको बोलते हैं गरम मसाला का वाट। पता है कितनी वेट है वैसे, पता है एक कड़ाला की। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा बॉईल आएगा और जैसे ही बॉईल आता है फिर वो रेडी है, फिर हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। हमारी आज की प्लेट रेडी है, स्क्विड फ्राई, स्क्विड मसाला और चपाती। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। मस्त है, कसो झाला है? अरे सांगा कसो झाले? फर्स्ट टाइम ट्राय कर रहा है प्रतीक। पहिली बार खाया है लेकिन मी मस्त है एकदम। अच्छा है ना, हम लोग को तो पसंद ही है। काकू थैंक यू, मस्त झाले।